नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी के लिए अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म के बारे में न्यूज़ लेकर आया हूं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं 15 अगस्त को रिलीज़ हुई फिल्म गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूं। इतने बड़े ऐतिहासिक दिन पर रिलीज़ हुई इस बायोपिक फिल्म ने 2018 के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। तभी तो इस फिल्म ने पहले दिन में कमाए हैं 27 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड। मैं आपको बता दूं कि गोल्ड फिल्म का निर्देशक रीना कागदी हैं और इस फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के सहयोग से हुआ है। 15 अगस्त के दिन इसके साथ एक और देशभक्ति फिल्म ने सिनेमा घरों में कदम रखा है और इस फिल्म के अभिनेता जॉन अब्राहम हैं। घूंघट में हो या पुरखे में, इस देश में औरत को देवी मानते हैं। जॉन की फिल्म सत्यमेव जयते ने भी पहले दिन 20 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की। अगर ये फिल्म उस दिन नहीं आती तो शायद अक्षय की ये फिल्म अब तक संजू के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालती, 2018 की नंबर वन फिल्म बन जाती। क्या मैंने सही कहा? अपनी राय में हमें कमेंट में बताइए। गोल्ड के दूसरे दिन की कमाई का स्तर सीधा 8 करोड़ पर आ गया, क्योंकि इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। पर इसके बाद इस फिल्म ने ऐसी लय पकड़ी कि उसके बाद कमाई का ग्राफ उठता ही दिखा। तीसरे दिन 12 करोड़, चौथे दिन 15 करोड़, पांचवें दिन 16 करोड़, छठवां दिन 14 करोड़, सातवां दिन 12 करोड़ और आठवें दिन 10 करोड़ की धुआंधार कमाई की। अक्षय कुमार की हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की है, जैसे कि एयरलिफ्ट, पैडमैन और अब गोल्ड। फिल्मी पंडितों के खबरों की माने तो ये फिल्म आज 8 करोड़ का कनेक्शन करेगी और इसी के साथ इसकी कुल कमाई 120 करोड़ हो जाएगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार सर भारतीय हॉकी टीम के कोच का मुख्य किरदार निभा रहे हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इसमें अक्षय सर का स्वभाव सतरंगी होता है और उनकी पत्नी का रोल मौनी रॉय ने बखूबी निभाया है। कुणाल कपूर, अमित शद, विनीत कुमार और गौहर खान ने अपने अपने लाजवाब अभिनय से फिल्म में जान डाल दी है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।